नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने कल शाम एक और FIR दर्ज कर दी है। वहीं CBI ने मुंबई की एक विशेष अदालत में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और दूसरे लोगों के खिलाफ 49 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। इस बीच लश्करे तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने के आरोपी जुनैद मोहम्मद के साथ कथित संपर्क के मामले में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वह कई गहरे राज उगल सकता है। तो उधर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि वह पिछले 4 वर्षों में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से नहीं मिल पाए हैं। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई यातायात पुलिस आयुक्त संजय पांडे अनेक सुधारों पर जोर दे रहे हैं, उनके प्रयासों की तारीफ भी हो रही है। अहम बात यह है कि आम नागरिक ही नहीं पुलिस महकमे के लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। अब ट्रैफिक और जाम को लेकर वे गंभीर है। उनके आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नो हॉकिंग अभियान के पहले दिन 2700 से अधिक मोटर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहीसर ट्रैफिक पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि शहर की कुछ प्रमुख सड़कों पर चलाए गए अभियान के पहले दिन 2764 मोटर चालकों को दंडित किया गया है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ₹500 का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि नए नियम के लागू होते ही यह ₹1,000 तक वसूल किया जा सकता है। बता दें कि यातायात पुलिस ने 9 जून से गाड़ी चालक और उस पर बैठे दूसरे व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया है। अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि DCP राजतिलक रोशन ने कहा है कि इस बारे में यातायात पुलिस लोगों को हेलमेट के नियम की जानकारी दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने कल शाम एक और FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र के DGP रजनीश सेठ ने चेतावनी दी है कि जो लोग भी राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस बीच मुंबई पुलिस ने MNS के मुंबई ऑफिस से लाउडस्पीकर जब्त किए हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ सिटी चौक पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसमें कुछ आयोजकों को भी आरोपी बनाया गया है। 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस के दिन राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था। वहां कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी थी कि राज्य की सभी मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के आगे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने शरद पवार पर भी निशाना साधा था और कहा था कि NCP सुप्रीमो जातिवाद की राजनीति करते हैं। राज ठाकरे के पूरे भाषण की लोकल पुलिस ने वीडियोग्राफी की थी, उसे कई बार सुना और फिर लीगल टीम की ओर से भाषण को आपत्तिजनक पाने के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से समीक्षा बैठक भी की गई। इस बैठक में महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, DGP रजनीश सेठ और मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी शामिल हुए। CBI ने कल मुंबई की एक विशेष अदालत में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और दूसरे लोगों के खिलाफ 49 पेज की चार्जशीट दाखिल की। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए 100 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी के मामले में चार्जशीट दायर की गई है। एक दिन पहले ही मुंबई की एक विशेष अदालत ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वझे की सरकारी गवाह बनने की याचिका को स्वीकार किया था। CBI ने देशमुख और उनके निजी सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोप दायर किए हैं। पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में है और शहर की आर्थर रोड जेल में बंद है। मामले की जाँच एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख ने पुलिसकर्मियों को शहर के रेस्तराओं और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का निर्देश दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया था, लेकिन बम्बई हाईकोर्ट द्वारा CBI को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने के आरोपी जुनैद मोहम्मद के साथ कथित संपर्क के मामले में कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस की टीम जुनैद के संपर्कों की जांच करने के लिए जम्मू कश्मीर में मौजूद है। जुनैद को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एटीएस ने 28 वर्षीय जुनैद मोहम्मद आता मोहम्मद को 24 मई को पुणे के दापोड़ी इलाके से गिरफ्तार किया था। उसे 3 जून तक के लिए एटीएस की हिरासत में भेजा गया है। जुनैद कथित तौर पर पाकिस्तान से संचालित लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों से सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि जुनैद मोहम्मद को विभिन्न राज्यों से लश्कर ए तैयबा के लिए नए सदस्यों की भर्ती करने का काम दिया गया था। अपने आकाओं के निर्देश के तहत नए भर्ती किए गए आतंकवादियों को जुनैद ने प्रशिक्षण के लिए जम्मू कश्मीर ले जाने की कोशिश की ताकि वे देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। जुनैद को दिया गया काम पूरा होने पर उसे अपने आकाओं से रुपए मिलते थे। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि वह पिछले 4 वर्षों में वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से नहीं मिल पाए हैं। पृथ्वीराज ने कहा कि हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें कोई चिंतन या आत्मनिरीक्षण नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चव्हाण पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं दिल्ली में होता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह से कभी कभार मिलना हो जाता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। वह हमेशा से आतिथ्य का भाव रखते आए हैं और बातचीत को तैयार रहते हैं। मैंने जब भी समय मांगा, सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन लंबे समय से मैंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की है। मेरे विचार से 4 साल हो गए हैं उनसे मिले हुए। ऐसी शिकायत रहती है कि पार्टी नेतृत्व से मुलाकात सुलभ नहीं होती है, जबकि यह होना चाहिए। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चव्हाण नाराज नेताओं के समूह G23 के सदस्य है, जो हाल के सालों में हुए चुनावों में पार्टी को मिली हार के मद्देनजर संगठन में सुधार करने की मांग करते रहे हैं। उदयपुर में हुई बैठक के बारे में चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के समक्ष मौजूद मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन पार्टी ने महसूस किया कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, केवल भविष्य पर चर्चा की जरूरत है। इसके लिए अलग से चिंतन या आत्ममंथन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब प्रियंका गांधी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा चल रहा है, यह तो इतिहास है जिसे हम नहीं बदल सकते। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों से निपटने के लिए एक पुख्ता प्लान की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कश्मीर को शांत करना है तो हम बिहारियों को कश्मीर सौंप दें, बिहारी से इसे अपने तरीके से संभाल लेंगे। तो उधर रेस्टोरेंट में ग्राहकों से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जल्दी ही कड़ा कानून बनाया जाएगा। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब प्रियंका की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कल रात में ही प्रियंका ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हल्के लक्षणों के साथ उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। प्रियंका ने उन लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है कि जो उनके संपर्क में आए थे। इससे पहले गुरुवार को सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रियंका ने अपना लखनऊ दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था और दिल्ली लौट गई थी। वह नवसंकल्प शिविर में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश लौटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 2 दिन तक लखनऊ में रहना था। बताया जा रहा है कि प्रियंका की यूं अचानक दिल्ली लौट जाने की भनक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं लगी। उन्हें भी उनके जाने के 1-1.5 घंटे बाद ही पता चला। सोनिया और प्रियंका के बाद कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने की खबरें हैं। हाल ही में ये सभी नेता राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने शिरकत की थी। सभी नेताओं ने चिकित्सकीय सलाह ली है। उनके संपर्क में आने वाले लोग भी सतर्क है। चिकित्सकों ने उनसे कहा है कि लक्षण दिखते ही तुरंत जांच कराए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के कारण के बीच उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम हिस्सों में मस्जिद और दरगाहों के नीचे शिवलिंग होने के दावे शुरू हो गए हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान से लेकर आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के नीचे भी शिवालय होने के सुर उठने लगे हैं।
हर रोज सुर्खियों में आते नए मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत दे डाली है। संघ प्रमुख भागवत ने संगठन के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, यह तो इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। यह उस समय घटा, हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। इसी क्रम में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद संघ अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हमने अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ ऐतिहासिक कारणों से इसमें सम्मिलित हुए, वह कार्य पूरा हुआ, अब हमें कोई भी आंदोलन नहीं करना है। दरअसल काशी में ज्ञानव्यापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बाद से ताजमहल, कुतुब मीनार और अजमेर शरीफ की दरगाह जैसी प्रमुख जगहों को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से स्वर तेज होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी चुन चुन कर कश्मीरी पंडित गैर कश्मीरी हिंदुओं और वतन परस्त मुस्लिमों की हत्याएं कर रहे हैं। 3 दिनों में 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। घाटी में इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग हो चुकी है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। सरकार ने टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों से निपटने के लिए एक पुख्ता प्लान की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाये के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन तेज किया है। इसके अलावा 2019 में आर्टिकल 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्थानीय स्तर पर उठती आवाज़ से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी बौखलाहट में वे टारगेट किलिंग कर रहे हैं। टारगेट किलिंग में ज़्यादातर वे आतंकी शामिल है जिनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है और न ही उन सब ने किसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली है। यह हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इससे निपटने के लिए ये रणनीति बनी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसे अदृश्य हाइब्रिड आतंकियों पर फोकस करेगी, दूसरी तरफ सुरक्षा बल उन आतंकियों पर फोकस करेंगे जिनकी पहचान हो चुकी है, जो पाकिस्तानी है या फिर वे स्थानीय युवा जो सोशल मीडिया पर ऐलान करके आतंकवाद में कदम रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। इससे बाहरी लोगों में खौफ का माहौल है, वही लोगों में इसे लेकर गुस्सा है। खासतौर पर ईंट भट्टे में काम करने वाले बिहार के एक मजदूर की आतंकियों ने हत्या कर दी है। इसे लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी काफ़ी गुस्से में हैं। इसे लेकर उनका कहना है कि अगर कश्मीर को शांत करना है तो हम बिहारियों को कश्मीर सौंप दें, बिहारी इसे अपने तरीके से संभाल लेंगे, फिर देखना कमाल, सब ठीक हो जाएगा, आतंकी पनाह मांगते नजर आएंगे। मांझी ने ट्वीट किया कि हमने पूर्व में कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है जिसको दिखाकर कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित आतंकी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कश्मीर शांत करना है तो हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। बता दें कि 2.5 महीने पहले भी मांझी ने यही मांग की थी। अब उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने पोस्ट को दोहराया है। जिस दौरान द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे आतंकी साजिश बताया था। उन्होंने कहा था द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे हैं ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर ना जा पाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म यूनिट सदस्यों की आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों से वसूले जा रहे सर्विस चार्ज से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया है और जल्द ही इस बारे में कड़ा कानून बनाया जाएगा जिसका सभी पक्षों को पालन करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद सरकार इन नतीजे पर पहुंची है कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों से बिल पर सर्विस चार्ज वसूलना सही नहीं है। देशभर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है। सर्विस चार्ज वॉलंटरी है लेकिन ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बारे में विभाग को कई शिकायतें मिली थी। विभाग ने इस बारे में 24 मई को होटल इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं को एक पत्र भी लिखा था। दूसरी तरफ होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े संगठनों से सरकार से साफ तौर पर कहा है कि सर्विस चार्ज वसूलना रेस्टोरेंट का निजी मामला है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव प्रदीप शेट्टी ने कहा कि यह पूरी तरह से एक रेस्टोरेंट के विवेक पर निर्भर करता है कि ग्राहकों से सेवा शुल्क लेना है या नहीं। सर्विस चार्ज के बारे में रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड में साफ साफ जानकारी लिखी होती है, इसलिए कस्टमर सर्विस लेने से पहले इससे अच्छी तरह वाकिफ होता है। सर्विस चार्ज हटाया गया तो इससे वर्कर्स को नुकसान होगा। दुनिया भर की नजर
नजर अनायास ही चीन की तरफ मुड़ गई है। इसके एक नहीं बल्कि तीन कारण हैं। एक तरफ ताइवान के मुद्दे पर चीन ने सुपर पावर अमेरिका को सीधी धमकी दी है, तो दूसरी तरफ चीन ने अब अपने लैब में वैम्पायर चूहे तैयार किए हैं। दरअसल चीन के वैज्ञानिक बढ़ती उम्र को रोकने या कम करने का उपाय खोज रहे हैं। इसके लिए इन वैम्पायर चूहों पर वे प्रयोग कर रहे हैं। वहीं चीन ने एक ड्रोन मदरशिप का अनावरण किया है, जिसने महायुद्ध के खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस ड्रोन मदरशिप पर सिर्फ मशीनें काम करेंगी, कोई भी इंसान यहां नहीं होगा। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सैन्य प्रतिष्ठान को बदनाम करने और राजनीतिक नेतृत्व को चुनाव कराने के लिए मजबूर करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। तो उधर संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्कीय कर दिया गया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ताइवान मुद्दे पर चीन और अमेरिका में एक बार फिर से ठन गई है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के बीच एक नए व्यापार पहल का कड़ा विरोध किया है। चीन ने कहा कि इससे अलगाववादियों में गलत संदेश जाएगा। इसके साथ ही चीनी वाणिज्य और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि यह समझौता होता है तो उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। दरअसल अमेरिका और ताइवान ने 1 जून को 21वीं सदी के व्यापार पर अमेरिका ताइवान पहल की घोषणा की है। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने ताइपे को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से बाहर रखा है। भारत भी इसका हिस्सा है। इसे बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा है कि अमेरिका को ताइवान के अलगाववादियों को गलत संदेश भेजने से बचने के लिए ताइवान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों को समझदारी से संभालना चाहिए। चीन हमेशा किसी देश और ताइवान क्षेत्र के बीच किसी भी प्रकार के व्यापारिक पहल का विरोध करता है। इससे पहले एक बयान में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा था कि दोनों पक्ष एक साथ तेज गति से काम करेंगे। दोनों देश उच्च मानक प्रतिबद्धताओं और आर्थिक रूप से सार्थक परिणामों के साथ समझौतों तक पहुंचने के लिए वार्ता के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप विकसित करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते से अमेरिका और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग के लिए और अधिक जगह खुलेगी। बता दें कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 100 मील दूर एक द्वीप है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है। चीन ने अब अपने लैब में वैम्पायर चूहे तैयार किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक बढ़ती उम्र को रोकने या कम करने का उपाय खोज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लैब में वैम्पायर चूहे तैयार किए हैं। उन पर ही ये प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इंसानों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा। इस प्रयोग को लेकर सेल स्टेम सेल पत्रिका में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। इस तकनीक को हेट्रोक्रॉनिक पैराबायोसिस कहा जा रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि खून जब पुराना हो जाता है तो अंगों, टिश्यू और सेल्स को पुराना करता है। इस वजह से इंसानों की शक्ति कम होती जाती है और वो बूढ़े हो जाते हैं। अगर इस प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो इंसान जवान ही बना रह सकता है। इस वजह से चीनी वैज्ञानिकों ने बूढ़े चूहे के शरीर में इंजेक्शन के जरिए खून पहुंचाया। इसके लिए दो चूहे के सर्कुलेटरी सिस्टम को सर्जिकली जोड़ दिया गया था। इस शोध में वैज्ञानिकों ने पिछले 5 साल में 7 अंगों में 164,000 से ज़्यादा सिंगल सेल को अलग किया और फिर उसकी तुलना की। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि हेमटोपोइएटिक स्टेम और प्रोजेनिटर सेल, जो स्टेम सेल है, वो अन्य रक्त और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ये युवा रक्त के प्रति सबसे संवेदनशील है। ये शोध उम्र बढ़ने से संबंधित बीमारियों आदि के लिए जरूरी डेटा देगा। अब आरोप लग रहा है कि चीन ने वुहान की लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया था, जो गलती से पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस नए प्रोजेक्ट से कोई नई परेशानी न विश्व के सामने आ जाए, लिहाजा प्रकृति के विपरीत हो रहे इस काम को रोकना चाहिए। रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बनी हुई है। संसाधन संपन्न देशों की ओर पूरी दुनिया की नज़र लगी है। जानकार मानते हैं कि एक गलती मानवता के लिए कभी भी खतरा बन सकती है। ऐसे में चीन ने एक ड्रोन मदरशिप का अनावरण किया है, जिसने इसके खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस ड्रोन मदरशिप पर सिर्फ मशीनें काम करेगी, कोई भी इंसान यहाँ नहीं होगा। जू हाई यून जहाज अपने दुश्मनों पर स्वयं से हमला करने की क्षमता रखता है। जहाज को कथित तौर पर एक समुद्री अनुसंधान पोत के रूप में बनाया गया था, लेकिन अब इसमें लगभग 50 एरियल अंडरसी और सतह पर मार करने वाली ड्रोन मिसाइल है। 290 फीट लंबा ये जहाज फाइनल फैंटेसी नाम के एक वीडियो गेम में दिखने वाले जहाज की तरह दिखता है। पिछले सप्ताह गुआंगझोउ में इसे लॉन्च किया गया था। युआन वांग सैन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी थिंक टैंक के शोधकर्ता झोउ चिनमिंग ने कहा कि ये मानव रहित जहाज बहुत बुद्धिमान है। समुद्र के अवलोकन में ये क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस जहाज को तट के पास ही रखा जाएगा, जहाँ अधिकांश समुद्री लड़ाइयाँ नहीं होती है।
यह जहाज महंगे श्रमिकों से निजात दिलाकर आने वाले समय में बिजनेस में मदद करेगा। चीन के एक सैन्य विशेषज्ञ ने भी दावा किया है कि इस अत्याधुनिक जहाज को महासागर के अवलोकन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि आलोचक दबी जुबान से कह रहे हैं कि चूंकि यह पोत मानव रहित और ऑटोमेटिक है, इसलिए गलत निर्णय लेने की हमेशा आशंका बनी रहेगी, परिणाम स्वरूप मिशन फेल हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सैन्य प्रतिष्ठान को बदनाम करने और राजनीतिक नेतृत्व को चुनाव कराने के लिए मजबूर करने की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान 25 मई को इस्लामाबाद मार्च के लिए भीड़ खींचने में विफल रहने के बाद अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों से नाराज है और जल्द चुनाव के लिए एक खतरनाक कहानी को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जिन विकल्पों पर चर्चा हो रही है उनमें इमरान खान की सरकार के खिलाफ साजिश के मुख्य स्रोत के रूप में एक शक्तिशाली संस्थान के प्रमुख का नाम लेने की संभावना है, लेकिन इसमें दो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। एक पक्ष इमरान खान को यह कदम उठाने में हतोत्साहित कर रहा है क्योंकि इससे उल्टा असर पड़ सकता है, जबकि दूसरा पक्ष यह तर्क दे रहा है कि इस शक्तिशाली व्यक्तित्व का नाम लेकर इमरान जल्द चुनाव कराए जाने को लेकर बड़े लोगों पर दबाव बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जब अविश्वास प्रस्ताव होने वाला था तब भी इमरान खान ने अमेरिका के समर्थन में सत्ता परिवर्तन की साजिश का राग अलाप कर एक निराधार दावे को हवा दी। उन्होंने इस दावे के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव और आने वाली सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। फिलहाल इमरान खान की नज़र सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर टिक गई है। उन्हें लगता है कि उनके पक्ष में कोई निर्णय आ सकता है, हालांकि सूत्र इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान की योजना फिलहाल तो सफल होती नहीं दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की गणराज्य का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अब तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावसुगलू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक पत्र लिखा जिसमें तुर्की का नाम तुर्की करने का अनुरोध किया गया था। पत्र मिलने के तुरंत बाद ही नाम बदल दिया गया है। पत्र में कहा गया था कि हमारे संचार निदेशालय के साथ मिलकर हम इसके लिए एक अच्छा आधार तैयार करने में सफल रहे। हमने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अपने नाम का बदलाव किया है। याद रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने दिसंबर में अपने देश के लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर भाषा में तुर्की नाम इस्तेमाल करने को कहा था। तब एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की को हर देश मानता है। तुर्की तुर्की लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त एर्दोगन ने कंपनियों से कहा था कि वे निर्यात होने वाली सभी चीज़ों पर मेड इन तुर्की लिखे। कुछ समय पहले नीदरलैंड ने भी दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम हटा दिया था। इसके अलावा मैसेडोनिया ने भी अपना नाम उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया था। 1935 में फारस ने अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया था। फारसी भाषा में ईरान का मतलब एर्शियन होता है। पश्चिमी देश इसे फारस के नाम से पुकारते थे। बाद में ये माना गया कि स्थानीय भाषा के नाम से देश को जानना चाहिए, इससे संबंधित देशों के लोगों में भावनात्मक मजबूती आती है। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।